Hello everybody, this is Sujit, your tutor, and I welcome to this YouTube channel. मैं आप सबों का इस YouTube चैनल सुजीत सर इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूँ. प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 सिविक्स का पावर शेयरिंग चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे. दीज आर सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. आई हैव नॉट गिवन द ऑप्शंस, बट लिटरली आई से व्हाट इज़ द राइट आंसर टू दीज ऑल क्वेश्चंस. ओके, मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है आपको, लेकिन मैं आपको सारा डिटेल्स में सारे क्वेश्चंस बताऊँगा. ठीक है, तो आइए लेट्स बिगिन. सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप सारे बच्चे इस क्लास को बहुत ही अटेंटिवली अटेंड करें. ठीक है, क्योंकि यह क्लास आप लोगों के लिए जो आने वाला एग्ज़ामिनेशन है इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है. ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि सारे बच्चे इस क्लास को बहुत ही गौर से अटेंड करें. ठीक है, और इससे लाभ उठाएँ. तो चलिए बिना किसी देर करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं. आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए. ठीक है, तो आइए देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, विच कम्युनिटी वॉज रिच एंड पावरफुल इन बेल्जियम. बेल्जियम में कौन सी ऐसी कम्युनिटी थी जो रिच भी थी और पावरफुल भी थी. आपको याद होगा, आपने अगर पढ़ा होगा तो, कि देयर वॉ मेनली टू कम्युनिटीज़. वहाँ मेनली दो कम्युनिटीज़ थे, फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग. ठीक है, और 1% जो था, 59% वह डच स्पीकिंग पीपल, 40% इज़ द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, एंड 1% रिमेनिंग इज़ जर्मन स्पीकिंग. ठीक है, तो 59% हो गया आपको डच स्पीकिंग, 40% फ्रेंच स्पीकिंग, और 1% जो बचा हुआ जर्मन स्पीकिंग लोग थे. ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि बेल्जियम में सबसे ज़्यादा पावरफुल और रिच कम्युनिटी कौन सी थी. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको हो सकता है कि कई बार ऑप्शंस भी दिए जाएं. ठीक है, लाइक फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग. ठीक है, तो आप यहाँ पर आंसर करेंगे, हेयर द राइट आंसर वुड बी फ्रेंच. फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी. ठीक है, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो थे वो रिच भी थे और पावरफुल भी थे बेल्जियम में. राइट, फ्रेंच स्पीकिंग इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए बढ़ते हैं. 59% ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन हु स्पीक्स डच लिव्स इन डैश. यानी कि 59% बेल्जियम में जो लोग डच स्पीकिंग लोग थे, यानी कि डच भाषा का प्रयोग करते थे, वो किस रीजन में रहते थे. मैं आपको बता दूं कि जो पूरा बेल्जियम है उसको दो भागों में बांटा गया है, वेलोनिया रीजन एंड फ्लेमिश रीजन. तो फ्लेमिश रीजन एक ऐसा रीजन है जो कि कह सकते हैं कि मच डेवलप्ड रीजन है. ठीक है, और जो वेलोनिया रीजन है उसको हम लोग देहाती क्षेत्र कह सकते हैं, या लेस डेवलप्ड पार्ट कह सकते हैं ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो यहाँ कहता है कि 59% ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन हु स्पीक्स डच लिव्स इन डैश. किस रीजन में रहते थे. यू कुड गिवन मेनी चॉइसेस लाइक वेलोनिया रीजन, फ्लेमिश रीजन, ब्रुसेल्स कैपिटल सिटी. ठीक है, तो इस तरह से आपका जो सही आंसर होगा इसमें, लिव्स इन वेलोनिया रीजन. वेलोनिया रीजन इज द राइट आंसर. राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स द लीडर्स ऑफ बेल्जियम अमेंडेड दियर कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन 1970 एंड 1993. यानी कि बेल्जियम के लीडर्स ने 1970 ईस्वी से 1993 से 1993 के बीच कितनी बार अपने संविधान में फेरबदल या अमेंडमेंट किया. ठीक है, तो हेयर दी आंसर दी ऑप्शंस कुड बी गिवन. ऑप्शन मैंने यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन हो सकता है कि आपको ऑप्शंस दिए जाएं, ऑप्शन दिए ही जाएंगे. उनमें से चार ऑप्शंस, जैसे कि 2 times, 3 times, 4 times, 5 times. सो दी करेक्ट आंसर वुड बी 4 times. राइट, 4 times. The Belgium's leader amended their constitution 4 times to accommodate in the country, to accommodate the diversities of the country. Right? Next question.
Which one of the following is correct regarding power sharing? Power sharing के संबंध में इनमें से कौन सा सही है? Here the options are given, right? See the option. It leads to conflict between different groups. यानी कि यह different groups के बीच conflict को, वाद विवाद को और भी ज़्यादा बढ़ाता है. Next option. It ensures the stability of the country. या country के stability को ensure करता है. Right? Next. It helps to reduce the conflict between different groups. यानी कि ये अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स के बीच कन्फ्लिक्ट, वाद विवाद होने की संभावना को कम करता है. सो हेयर इट लीड्स टू कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, ये गलत हो जाएगा. दिस इज़ द रॉन्ग आंसर. इट इंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, तो ये सही है. यानी कि क्या क्या करता है पावर शेयरिंग, कि इट इंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ कंट्री, यानी कि कंट्री को स्टेबल बनाता है. राइट right? And C option, option number C. It helps to reduce the conflict between different groups. यानी कि ये different groups के बीच conflict को भी कम करता है. ठीक है, तो so here answer would be B and C. B and C, both are the answer. Right? Now next question. Which was the only official language of Sri Lanka? Sri Lanka का एकमात्र official language क्या था? तो हम लोगों ने श्रीलंका के बारे में पढ़ा था कि वहाँ मुख्यतः दो लैंग्वेज ज़्यादा बोले जाते हैं, दैट इज़ सिंघला एंड तमिल. ठीक है, तो वहाँ चूँकि ज़्यादा जनसंख्या सिंघला लोगों की थी और वो जो तमिल स्पीकर्स थे उनको बिल्कुल वो भाव नहीं देते थे, उनको उनका एकदम वो ख्याल नहीं रखते थे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सिंघला. Sinhala was the only official language of the of Sri Lanka. ठीक. Next question. How many scheduled languages are recognized by the Indian Constitution? भारतीय संविधान के द्वारा कितनी भाषाओं को scheduled language कहा गया है? ठीक है, तो यहाँ here options could be given like this: 20, 21, 22, 23. So here the right answer would be 22. 22 इन हिंदी इंक्लूड्स, इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि हिंदी इंक्लूड्स, हिंदी जुड़ा हुआ है इसमें. ठीक है, हिंदी इंक्लूड्स, इंक्लूडिंग हिंदी. अगर हिंदी को हटा देंगे तो 21 हो जाएगा. ठीक है, इसमें ऑप्शन इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि इंक्लूडिंग हिंदी या एक्सक्लूडिंग हिंदी, तो उसमें आपको ये चीज़ गौर करना होगा. ठीक है, 22 जिसमें से हिंदी को इंक्लूड कर दिया गया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द गवर्नमेंट एट ब्लॉक लेवल कॉल्ड? ब्लॉक लेवल के गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस कुड बी गिवन लाइक जिला परिषद, सरपंच, मुखिया, मुखिया मीन्स द चीफटेन, एंड पंचायत समिति. सो हेयर आंसर वुड बी पंचायत समिति. पंचायत समिति. ब्लॉक लेवल के गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है? पंचायत समिति. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. बाय व्हाट नेम लोकल गवर्नमेंट एट अर्बन एरिया कॉल्ड? अर्बन एरिया, अर्बन एरिया यानी अर्बन मीन्स होता है शहरी, शहरी क्षेत्र. शहरी क्षेत्र के लोकल गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है? हेयर दी ऑप्शंस आर गिवेन. म्यूनिसिपैलिटी, यस. बी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यस. पंचायत समिति, रॉन्ग. सो हेयर आंसर वुड बी ए एंड बी, बोथ. ठीक है, इस तरह के ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको ऑप्शंस के अलावा जो आंसर्स में भी दिए जाएंगे, जैसे ए एंड बी, ए बी बोथ, ए बी एंड सी, ए एंड सी, इस तरह से ऑप्शन दिए जाएंगे. तो यहाँ आपको होगा आंसर ए एंड बी, लाइक म्यूनिसिपल, म्यूनिसिपैलिटी एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. ए एंड बी, ए एंड बी इज द आंसर. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन.
हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चेयरपर्सन कौन होता है? मेयर, ज़िला परिषद, गवर्नर, पंचायत समिति। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चेयरपर्सन मेयर, उसे हम मेयर कहते हैं। मेयर साहब, आपने मूवी में देखा होगा, मेयर साहब आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री। बेल्जियम एक छोटा सा देश है। इन विच कॉन्टिनेंट डज इट फॉल? यह किस महादेश के अंतर्गत आता है? सो हेयर आई वुड लाइक टू टेल यू, ऑप्शंस कुड बी गिवन लाइक दिस, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। सो योर आंसर वुड बी यूरोप। आपने बुक में भी पढ़ा होगा, बुक में भी दिया गया है कि बेल्जियम इज अ स्मॉल यूरोपियन कंट्री। तो यहाँ पर यूरोप, यूरोप क्या है, कॉन्टिनेंट का नाम है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम? बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? लग्जमबर्ग, ब्रुसेल्स, कोलंबो, नीदरलैंड्स। तो आप इसमें से क्या चुनेंगे? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, BRUSELS, ब्रुसेल्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम सम नेबरिंग कंट्रीज ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम के कुछ नेबरिंग कंट्रीज के बारे में बताएं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको पूछ देगा क्वेश्चन में कि इनमें से कौन बेल्जियम का नेबरिंग कंट्रीज नहीं है, ठीक है, जिसमें से ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे लाइक लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, इटली और फ्रांस, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? इटली। इटली इज़ नॉट द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ बेल्जियम, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि बेल्जियम के कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ के नाम बताने के लिए, तो आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रांस, नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स, उसके बाद जर्मनी, एंड लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग, दीज फोर आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाई 80% पीपल ऑफ ब्रुसेल्स, नॉट बेल्जियम? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। कई बार बच्चे क्वेश्चन ठीक से पढ़ते नहीं हैं, उन्हें लगता है कि यही क्वेश्चन होगा जैसा वो सोचते हैं, और उसके बाद वो रॉन्गली आंसर कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, पूरा क्वेश्चन पढ़ना होगा थॉरली, उसके बाद आपको आंसर करना है। यहाँ पूछ रहा है विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाई 80% पीपल ऑफ ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में जितनी जनसंख्या है उसका 80%, यानी कि उस जनसंख्या का 80% लोग जो है किस भाषा का प्रयोग करते हैं, कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? तो यहाँ हो जाएगा आपको फ्रेंच, क्योंकि आपको पता होगा कि वहाँ जो 80% लोग रहते हैं दे आर कंपेरेटिवली रिच एंड पावरफुल कंपेयर टू डच। डच के मुकाबले वो ज़्यादा पावरफुल और रिच भी हैं, तो वो वहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि किसी दूसरे के भाषा का प्रयोग करेंगे, तो वो खुद अपने भाषा का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लोकल गवर्नमेंट वर्क्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सा लोकल गवर्नमेंट काम करती है? आंसर आपको, ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा, पंचायत समिति प्रमुख, उसके बाद ज़िला परिषद और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इस तरह से आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ? ज़िला परिषद, ज़िला परिषद। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लोकल गवर्नमेंट काम करती है उसे हम ज़िला परिषद के नाम से जानते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वायलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप
within a country is called, यानी कि अपोजिंग ग्रुप के बीच, दो कम्युनिटीज़ के बीच जब आपस में वाद विवाद वायलेंट ये रूप ले लेता है, वायलेंस का रूप ले लेता है, तो इस वॉर को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस कुड बी गिवन लाइक दिस, वर्ल्ड वॉर, एथनिक वॉर, पॉलिटिकल वॉर और सिविल वॉर. सो हेयर आंसर वुड बी सिविल वॉर. सिविल वॉर, राइट. तो चलिए बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए, आशा करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं. इस तरह के वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए बनाऊं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इस तरह के मैसेज डाल सकते हैं. आपको जिस भी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बना के लाऊं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए. और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस तरह के वीडियोस जो पहले से ही अपलोडेड है और जो आने वाली वीडियोस है उसके बारे में आपको जानकारी सबसे पहले मिले. तो चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे. टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे.